अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय PUBG Vision चैनल। तो भाई लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज इस वाली वीडियो में PUBG के वीक 3 के जो चैलेंजेस है वो आए हुए हैं और ये सीजन 10 चालू है। तो सबसे पहले हम जाते हैं और वीक 3 के सारे चैलेंजेस को एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चैलेंज मिशंस पे आके यहाँ पे वीक 3 में आप लोगों को एक चैलेंज दिख जाएगा। मुझे अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा 40 आरपी नहीं हो गया है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों के पास आ रहा हो। यूज़ द बॉय इमोट इन पुचंकी, तो आप लोगों ने उस चैलेंज को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। बॉय इमोट को आप लोगों ने यूज़ कर लेना है। बहुत सिंपल सा जो चैलेंज है वो आया हुआ है। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ कि बॉय इमोट जो है, आप लोगों ने अगर आप लोगों की आरपी जो है वो 40 हो गई है, ठीक है, तो 40 आरपी पे आप लोगों को ये बॉय इमोट आप लोग देख रहे हो, आप लोगों ने जस्ट इसको यूज़ करना है, वो भी पुचंकी के लोकेशन पे, ठीक है। तो आप लोगों का ये चैलेंज जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट आप लोगों ने इस बॉय इमोट को यूज करना है, वहां पे जाके आप लोगों ने जल्दी से ये वाला इमोट यूज कर लेना है। अगर आप लोगों के पास 40 आरपी हो तब आप लोगों के पास ये इमोट ओपन होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अर्न एस रेटिंग आर अबाउ 3 टाइम वाइल इन अ ग्रुप विद फ्रेंड इन क्लासिक मोड। तो सबसे पहला चैलेंज जो है हमारे पास वो आ रहा है कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ मैच प्ले कर देना है और वो भी क्लासिक मोड में। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, एरेंगल में आप लोगों ने मैच प्ले कर देना है और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने RNS are more about 3 time। इसका मतलब यह है कि आप लोग जब आप लोग गेम खत्म करते हो तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ एरिया शो होता है, यानी डैमेज और ये वगैरह लिखा होता है और यहाँ पे कुछ एरिया शो होता है जहाँ पे लिखा होता है RNS या RNSS प्लस या इतना या इतना, जो आपने जितना भी आपने कवर किया हो, RNS कवर किया हो, तो आप लोगों का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको आ रहा हो कि RNS, ठीक है, तो आप लोगों का ये मिशन जो है वो इजीली हो जाएगा। और आई थिंक अगर आप टॉप 5 में आओगे या टॉप 3 में आओगे तो आप लोगों का RNS रेटिंग जो है वो हो जाएगा, यानी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, हमारे पास एक चैलेंज आ रहा है, किल 20 इनिमी इन पुचंकी विद M416 आर स्कारेल। तो पुचंकी में जाके आप लोगों ने करना क्या है, M416 या स्कारेल जो गन है उसके साथ आप लोगों ने 20 किल कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है, पुचंकी आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, आप लोगों को क्लासिक मोड में मिलेगा, यानी एरेंगल। यहाँ पे जल्दी से मैं दिखा दूँ, आप लोग देख सकते हो एरेंगल। तो इसमें आप जाके पुचंकी को सबसे पहले मार करके वहां पे जंप लगा देना और M416 या स्कारेल उठा के 20 बंदों को मार देना। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, एलिमिनेट 10 प्लेयर विद द G360C। तो ये जो गन है आप लोगों को वीकेंडी में मिलेगा, ठीक है, उसके साथ आप लोगों ने 10 प्लेयर को मार देना है। आप लोगों को मैं जल्दी से वीकेंडी बता दूं, तो आप लोगों ने इसके लिए एरेंगल नहीं प्ले करना है, मीरा मार प्ले नहीं करना है, सनहाक नहीं प्ले करना है, आप लोगों ने वीकेंडी प्ले कर देना है। वीकेंडी में आप लोगों को ये गन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक और चैलेंज की तरफ। तो यहाँ पर वीक 3 में एक और चैलेंज आ रहा है, गेट अ फ्री ग्रेनेड इन 20 मैचेस। तो आप लोगों ने ग्रेनेड को उठा देना है और वो भी 20 मैचेस में, यानी आप लोगों ने 20 मैचेस प्ले करके हर एक मैच में आप लोगों ने एक एक ग्रेनेड उठा देना है, यानी ग्रेनेड उठा देना है, उसके बाद आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। यानी स्मोक ग्रेनेड नहीं, वो फ्रेग ग्रेनेड जो होता है जिससे बंदा मर जाता है, ठीक है, स्मोक ग्रेनेड से तो बंदा नहीं मरता, तो आप लोगों ने फ्रेग ग्रेनेड उठा देना है जिससे बंदा मर जाता है, ठीक है, वो गन, तो आप लोगों का ये काउंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, लैंड ऑन टॉप ऑफ
एनी बिल्डिंग इन पुचंगी 3 times. तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पुचंगी के लोकेशन पर 3 times जो है वो लैंड करना है, ठीक है. ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग यानी पुचंगी के लोकेशन पर किसी बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों ने 3 times लैंड करना है. जब आपका गेम स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आप लोग जहां से 3 times लैंड कर लो वो भी पुचंकी के लोकेशन पे किसी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है. तो आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है, रिकवर अ टोटल ऑफ 1500 हेल्थ. तो करना क्या है इस चैलेंज के लिए, आप लोगों ने सिंपली अपने आप को किसी छत से गिरा देना है ताकि आप लोगों का हेल्थ कम हो जाए या आप लोगों को एनिमी डैमेज दे दे. उसके बाद आप लोग बार बार अपने आप को रिवाइव कर लो, ठीक है. तो उसके बाद जितना भी आपके पॉइंट्स, अगर 1500 यानी आपके रिकवरिंग पॉइंट जो है, रिवाइव पॉइंट जो है वो 1500 तक पहुंच गए तो आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद एक और चैलेंज है हमारे पास, कैरी योर टीममेट फॉर अ टोटल ऑफ 10,000 meters वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल. तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को जो है वो गाड़ी में बिठा देना है. उसके बाद आप लोगों ने 10,000 meters उसको गाड़ी में घुमा के आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा. यानी ड्राइव आपने करना होगा और बिठाया आपने फ्रेंड को होगा अपने गाड़ी में, ठीक है. अपने साथ गाड़ी में अपने फ्रेंड को उठा के आप लोग 10,000 meters ड्राइव कर लो तो आप लोगों का ही चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा. बहुत से यूजर ऐसे करते हैं कि वो फ्रेंड के साथ बैठ जाते हैं लेकिन वो खुद ड्राइव नहीं करते. तो चैलेंज कंप्लीट करने के लिए आपको ड्राइव करना होगा, आपके साथ दोस्त को बैठना होगा, सिर्फ बस इसी से हो जाएगा. उसके बाद एक और चैलेंज है, ओपन 5 airdrop. तो आप लोगों ने एयरड्रॉप को मतलब ओपन करना है जहां पे आप लोगों को AWM और गोरजा ये वगैरह गन जो मिलते हैं, सिर्फ 5 airdrops को आप लोगों ने ओपन करना है. उसके बाद आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, किल 3 enemies विद AWM इन एनी मिनट. तो इस चैलेंज के लिए मैं आप लोगों को एक और ट्रिक बता देता हूं, आप लोगों ने इस चैलेंज को किस तरह कंप्लीट कर देना है. यहां पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये एरेंगल, ठीक है, सॉरी अर्केड. अर्केड मूड में आप लोगों ने स्नाइपर मूड को प्ले कर देना है. आप लोग देख सकते हो स्नाइपर मूड, तो इसमें आप लोगों को AWM मिल जाएगा, उससे आप लोगों ने 3 kills करने हैं, ठीक है. तो आप लोगों का ये चैलेंज भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा. अर्केड मूड मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अर्केड मूड में AWM बहुत ज़्यादा मिलते हैं और सिर्फ क्लासिक में अगर आप लोग प्ले कर लोगे तो वहाँ पे आप लोगों को ड्रॉप के अलावा कहीं और AWM नहीं मिलेगा, जो कि कभी मुश्किल हो जाता है ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप तक बहुत से बंदे पहुंच जाते हैं. उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है, किल 20 enemies इन क्लासिक मोड विद लाइट मशीन गन. तो लाइट मशीन गन है कौन सा, आप लोगों ने उससे कितने बंदों को मार दें. लाइट मशीन गन आप लोगों को आई थिंक क्या उस ड्रॉप में मिलेगा, तो लाइट गन मशीन, तो ये आप लोग देख सकते हो लाइट गन मशीन. और लाइट गन मशीन में आप लोगों के पास DPB आता है, ये आप लोग देख सकते हो DPB आता है, तो आप लोगों ने DPB उठा देना है, ठीक है. DP28 से अगर आप लोग 20 kills करते हो तो भी आप लोगों का ये चैलेंज जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये तो ड्राप में भी नहीं, मतलब ड्राप के अलावा भी आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है. तो क्लासिक मूड में मैच प्ले करना है या एरेंगल में. तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी आप लोगों ने इससे हेल्प लिया हो तो इस वीडियो को लाइक देना और हाँ कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.